अरे यार, एक तो पहले से लेट हो रहा है, ऊपर से मेंटल। अबे हट ना। अरे ओ, आंधा हो रहा है कि ओण पे ओण मारे जा रहा है? कौन है तू? लिकट बाहर, तेरा मैं बताऊं। अंधी मैं नहीं, अंधे तो तुम हो। इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिख रही या? और बड़ी गाड़ी, इससे बड़े तुम्हारे गांव में बिटोड़े हैं। मैं भी किससे ही बात कर रही हूँ, एक तो गांव वाला और अक्कल तो होगी नहीं। और इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ मैं, साइड तो तुमसे हुआ नहीं जा रहा, ऊपर से गलती भी मेरी बता रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, गलती थी मेरी, सॉरी बोलूँ। भाई गलती तेरी भी थी, तू भी सॉरी बोल। मैं और तुम्हें सॉरी बोलूँ? एक तो तुम बदतमीज, ऊपर से गवार। फिर गांव वाले के इंसान ना होते? देखने में इंसान होते हैं पर हरकतों में नहीं। अरे तू चली जा ना, तो तेरी गाड़ी के तेरी दोनों के हेडलाइट ने फोड़ दूंगा। अरे यही तो समझ नहीं आ रहा, कब से ये लोकेशन ही नहीं मिल रही है। अरे ला माने दिखा के लोकेशन ना पा रही थे ने, मैं देखूं। वैसे तने दिखता तो है ना, सुनाई तो देता होगा। हाँ तो एक काम करिए, पूरे तो सीधा जा, आगे जाके पड़ेगा शिव मंदिर, और शिव मंदिर तो कोणी वाले हाथ ने मुड़ जी। कोणी वाला क्या? अरे कोणी वाला मतलब राइट हैंड पे मुड़ जी, आगे जाके ताऊ रामपड़ की चार भैंस बंदी पाओगी, उन ते चौथा घर पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समझ गई। हाँ तो लिकड़ फिर इब के चिलम भरवा के जाओगी। हाँ जी दोस्तों, मेरे पास है आप सबके लिए एक्साइटिंग न्यूज। क्या आप भी चाहते हो अपनी खुद की गाड़ी चलाना या यूज करना चाहते हो S23 अल्ट्रा फोन और iPhone 15 Pro, या चाहते हो अपने हाथ पर सीरीज 9 की न्यू वॉचेज? तो हाँ, ये सब आपका हो सकता है बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी से आप पैसे बना सकते हो। तो ध्यान से सुन लो, ये सब आपका हो सकता है 1xBet से, जो कि इंडिया की नंबर 1 प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म है। आपको सिर्फ इतना प्रिडिक्ट करना है कि राजस्थान रॉयल वर्सेज मुंबई इंडियंस का जो मैच होने वाला है उसमें कौन सी टीम जीतेगी, और अगर आपका अनुमान सही होता है तो आप जीत सकते हैं खूब सारा पैसा, गाड़ी और वो चीज। तो कमेंट में मैंने लिंक पिन किया है, वहां पर जाए, क्लिक करें और यूज करें मेरा प्रोमो कोड Urban43 और पाए 66,000 तक का वेलकम बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो पार्टिसिपेट करें इस अपॉर्चुनिटी में, यूनाइटेड बाय क्रिकेट, यूनाइटेड बाय विन। यार ये कैसा गांव है, यहां तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा, मुझे कॉल लगानी थी, क्या करूं? अरे ओ बावड़ी, तेरे क्यों हो गया? सा सा के यो कौन सी भाषा है? सांप था। अरे तो सांप ही तो है, जमीन पे ना साले क्या हवा मुड़ेगा? अरे ऐसे कैसे काट लेता तू? अरे शहर हम काटते होंगे, गम हम तो सांप गोरे बतेरी चीज डोल ले, खेत तक मारे खूब अंडे मारे, नू थोड़ी सबने काटेंगे, तेरे चिपटन थोड़ी आ रहा था, तू खाम में खा डर रही है। मैं डरी थोड़ी थी, मैं तो बस। हाँ बिल्कुल, सारा बेरा मैंने कितनी डरी थी कितनी ना, भाई कोई ना गया इब, जा चली जा जा रही थी। जुल्फे तेरी कहर मचावे, नजरे तेरी जाल बिछावे, तन में जो देख ले कवे, तेरे ते बतलाना चावे। अरे छोटू, यहाँ आसपास कोई दुकान देखी क्या? तेरे बाप ने खोल रखी है कोई दुकान, अरे खाली रोड बतन दुकान दिखेगी, जाके शहर में ढूंढ ले। इस गांव के बड़े तो बड़े, बच्चे भी बदतमीज हैं। अंकल, यहाँ आसपास कोई शॉप है क्या? अरे तेरी चिपकली तू? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे खेत तो वहाँ है ना? सारे दिन मैं खेत में ही रहूंगा के, गांव अपना ना है, बैठूं भाईया मैं हुक्का पीऊं, की दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? अरे तेरे रास्ते में मैं ना आता, तू आओ मेरे रास्ते में, अब मेरे से बचना है तो उड़ के जाया कर, जो कर पापा की परिया उड़ के जाया करे। देखो पापा की परिया ना तुम्हारे गांव में होंगी, हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे गांव में तो सारी शेरनियाँ है, परिया तो थारे शहर में ही है। हाँ हाँ ठीक है, जो भी हो। वैसे एक बात बताओ, यहाँ आसपास कोई शॉप नहीं है क्या? क्यों, तने दुकान का क्या करना है? यार मेरे को ना ब्रश करना था और मैं लेके भी नहीं आई। अरे तू डट, तने ऐसी ब्रश करवाऊंगा कदे भूलेगी भी ना तू। कहाँ मिलेगा? अरे तू आ तो जा।
दी कली कली शायद की लोड़ जद तरी तेरे कदम च जान मिठिए दुनिया दी कली कली शायद की लोड़ जद तरी तेरे कदम च जान मिठिए जान मिठिए ले ये क्या है दातल दातल हाँ दातल क्या करूँ इसका की करेगी दातम कर ले और की करेगी अरे बेवकूफ ये नू ना करनी नू कर ले इसने ये कितना कड़वा है दवाई डाली क्या इसमें अरे पागल है कि देसी चीज है दवाई ना होती पानी है क्या पानी लेकर तो आया तुम्हें एक बोतल भर के लाया हूँ ओके में पानी करने तक लाया था पर वो है मटके का और वो तो पिएगी ना अरे अभी तो कुछ भी चलेगा हेलो हाँ कहाँ है तू यार मैं तो चौक के पास आ गई हूँ कितना टाइम लगेगा तुझे क्या 10 किलोमीटर और दूर है तू अरे यार चल एक काम कर मैं घर जा रही हूँ तू डायरेक्ट घर आ जाना ठीक है बाय मैडम आपको शर्म नहीं आती एक अपाइज पे हंसते हुए आप तो एक पढ़ी लिखी लड़की लग रही हो और आप मेरे पे हंस रही हो अरे अगर अपाइज है तो बैसाखी लेके चल वरना किसी को साथ लेके चल ऐसे चलते चलते गिरेगा तो हंसी तो आएगी ना मैडम मैंने आज तक अपनी जिंदगी में आप जितनी बदतमीज लड़की नहीं देखी जो एक अपाइज इंसान का मजाक उड़ा रही है अरे मेरे को तो शर्म आती है कि आप जैसे लोग भी हमारे देश में रहते हैं अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है मैं तो बस मजाक कर रही थी अरे जोगिंदर की बात होगी भाई क्यों छो मार रहा है देखो ना अजय भाई मैं अभी बस इस रास्ते से निकल के आ रहा था और इस पत्थर से मेरा पैर टकरा गया और मैं गिर गया अरे मैडम ये मैडम मेरे ऊपर हंसने लगी मेरे अपाइज होने का मजाक उड़ाने लगी और बोलती है कि घर से निकलने से पहले किसी को साथ लेकर चलो या बैसाखी लेकर चलो अब इसको क्या पता कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है ना मेरी माँ है और ना मेरा बाप अरे छोरी तेरे उम्मीद तो ना आती मैं तो तेरा गाना बढ़िया समझने लग गया था पर तू भी वैसी सोच की निकली अरे इसमें मजाक क्या उड़ा दिया अब लंगड़ा है लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी अरे तेरे शर्म आनी चाहिए ये भगवान की देन है अब सोच ले तेरे पैरा ने भगवान ईसा बना देता और तू गिरती जब तेरे पे लोग हंसते तने किसा लागता अब थोड़ी बहुत भी शर्म रह रही हो ना तो ये तो माफी मांग सॉरी मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था कोई नहीं माफ करता हूँ मैं तुमको अच्छा जी भाई चलता हूँ शहर के लोगों से क्या ही बहस करें हाँ राम राम चल ध्यान रखियो अपना तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम शहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सामने तुम्हारे जैसा इंसान हो तो बहुत फर्क पड़ता है एक मिनट मैंने नू क्यों लग रहा है कि यह शहरी देशी पे लाइन मारने लग रही है अब क्या करें देसी इतना अच्छा जो लगने लगा है अरे खैर वो सब छोड़ तो ये बता गांव में करने क्या आई थी आई तो मजबूरी से थी पर अब अच्छा लगने लगा तुम्हारा ये गांव भी और तुम भी क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की
है दस्तक और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। अजय अजय कहाँ है ये? अजय हाँ आ जाओ रे ना, आ जा। अरे तू यहाँ क्या बात है? अरे मैं पूरे गांव में कब से ढूंढ रही हूँ तुमको और तुम यहाँ हो। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी यार? वैसे बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे कुछ। ठीक है पहले तुम बताओ। अच्छा चल पहले तू ही बता। जल्दी बोलो ना, मुझे आज घर भी जाना है। मतलब तेरा यहाँ काम खत्म हो गया? नहीं काम तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उससे भी एक जरूरी काम है। मुझे ना एक लड़का पसंद है और अपने घर वालों को वही बताने जा रही हूँ। अच्छा कौन है वो लड़का? एक बार घर वाले मान जाए तो फिर तुम्हें भी बता दूंगी कौन है वो लड़का। चल सही है, भगवान करे तेरे घर के भी मान जाएगा। अरे वो तो मानेंगी, मैं तो बस तुम्हें बताने आई थी कि कौन है वो लड़का। मेरा ना कॉल आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा सुन, तुम उन्हें शहर में जाके भूल तो ना जाओगी? अरे तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी मैं, इस गांव में रह के तुमने कितनी चीजें सिखाई है मुझे। ठीक है मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय। अरे सैरी चिपकली तू, और वो भी सूट में। क्यों मैं सूट ना पहन सकती? अरे तेरी गए, मैंने तो हरियाणवी भी आवे। अरे इतने दिन गांव में रही ना, इतना तो सीख ही गई। अच्छा वो छोरे के घर का तो बात ना करन गई? अरे मैंने सोचा लड़के के घर वालों से बात करने से पहले लड़के से तो बात कर लूं, वो हाँ कहेगा ना कहेगा। अच्छा है कौन वो छोरा? अरे कौन है क्या, वो तुम्हारे गांव में जो हैंडीकैप मिला था ना वही है। अरे मजाक मत करे मेरी गला, सच सच बता। सच बताऊं? अरे देख सारी चिपक रही, मजाक मत कर, सही सच बता दे। अरे मजाक नहीं कर रही, सच्ची में तू है। सच बता। बिल्कुल सच। सही बताऊं? यह बात तो मैं भी कहना चाहता पर कदा कह ना पाया। तो अब कह दो, अब कौन सी देर हो गई है? आई लव यू। आई लव यू टू। अरे यह हो ही ना बात है, चल फिर एक काम कर, बिटोड़े में गोश्त लगाने हाल ही तस लेने। क्या क्यों क्यों यार, प्यार ना करती? इबे तो कहती प्यार करूं। अले तसली ने करवा काम मेरी गला, काम में काम भी करना पड़ेगा। तो मैंने कौन सा मना किया है, चलो।